हेलो यूट्यूब व्हाट्सअप। तो क्या हाल है सबके। आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी खुद की मैनुअली एक ड्रैग कार ट्यून कर सकते हो और उस पर थोड़े बहुत अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। और आपको बारी बारी डाउनलोड करने की ट्यून ज़रूरत नहीं है और आप खुद के ट्यूनिंग एक्सपर्ट बन सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास आज एक BMW M5 यूज़ कर रहा हूँ मैं इस ट्यूटोरियल के लिए, और ये अभी कम्प्लीटली स्टॉक है। तो इसको मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, फिर आपको ट्यूनिंग ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। सो लेट्स गो। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपनी गैराज में और हम अब इसको ट्यून करने वाले हैं। ट्यून से पहले हमें इसको अपग्रेड करना पड़ेगा और बहुत ही जल्दी मैं ये करने वाला हूँ। ऑटो अपग्रेड मत करना, गाड़ी भारी हो सकती हैवी हो जाएगी तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैं इंजन के सारे रेस पार्ट्स लगा चुका हूँ। नेक्स्ट इज़ प्लेटफॉर्म एंड हैंडलिंग, तो इसमें भी सारे आपको रेस पार्ट्स लगाने हैं। और स्प्रिंग्स और डैम्पर्स हम लोग रैली रखने वाले हैं ताकि हमारी गाड़ी की हाइट ज़मीन से ऊपर रहे। एरोडायनेमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है ड्रैग में। फ्रंट रोल बार्स, रेस रोल बार्स, ऑब्वियसली केज रोल नहीं लगवाने वाले हैं बिकॉज गाड़ी हमारी उससे अननेसेसरी भारी हो जाएगी तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वेट रिडक्शन हमें ऑब्वियसली करना है गाड़ी का। ड्राइव ट्रेन से पहले कन्वर्जन पर आ जाते हैं। तो इंजन स्वैप सबसे पहले आप करोगे तो मेक श्योर हमें सबसे ज़्यादा टॉर्क चाहिए। तो ये जो पिंक वाली लाइन दिख रही है ग्राफ पे, जिसमें ये मैक्सिमम आगे तक जा रही है ना, ऑब्वियसली यू वुड हैव टू गो विद दिस वन बिकॉज दिस इज द फास्टेस्ट अपेरेंटली। इसमें सबसे ज़्यादा टॉर्क इसमें है रेसिंग 3.0 लीटर इंजन में। सो हम ये लगवाने वाले हैं। ड्राइव ट्रेन स्वैप, ऑल व्हील ड्राइव आप इसे करा सकते हो। विल गो विद ऑल व्हील ड्राइव सो दैट वी हैव टॉर्क ऑन ऑल द फोर टायर्स। ट्रांसमिशन हम इसमें 7 स्पीड का रखने वाले हैं। वैसे भी ड्रैग क्वार्टर माइल रेस होती है और उसमें 4 गियर्स यूज़ करने का वो मेन मोटिव होता है कि आप रेस के एंड तक 4 गियर्स कर रहे हो। तो डिफरेंशियल भी हम लोग रेस लगाने वाले हैं। ऑब्वियसली रिम्स मैं नहीं छेड़ूंगा, एरो अपीयरेंस थोड़ी बहुत लुक्स के लिए छेड़ सकते हो, छेड़ना चाहो तो। मैं बस स्पॉइलर ऐड करूँगा, एरो डायनेमिक्स में थोड़ी सी हेल्प करता है। ऑन दैट थॉट फ्रंट बम्पर भी ऐड कर ही देते हैं। ठीक है, टायर्स मत भूलना। तो हमें स्लिक रेस टायर कंपाउंड, थोड़ी सी विड्थ आप इसकी विड्थ आप सबसे ज़्यादा बढ़ा दो क्योंकि यू नो मोर द विड्थ ज़्यादा ग्रिप मिलेगी आपको। आगे के टायर्स हमें ज़्यादा बाहर नहीं निकालने हैं, पीछे के आप थोड़े से ज़्यादा बाहर निकाल सकते हो, स्पेसिंग कर सकते हो पीछे और रियर व्हील्स में। ग्रिप का खेल होता है ताकि टॉर्क बैलेंस रहे आगे पीछे। और सेंस अब हमारी गाड़ी एक अपग्रेडेड हो चुकी है, ट्यूनिंग सबसे मुश्किल पार्ट है और इसी को सीखने में थोड़ा सा लोगों को टाइम लग जाता है, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं। तो मैं बताता हूँ कि ड्रैग ट्यूनिंग के लिए हमें कैसे ट्यून करनी है गाड़ी। सबसे पहले तो अपने टायर प्रेशर सबसे कम कर दो, थोड़ा सा पीछे चाहो तो बढ़ा सकते हो टायर प्रेशर, बट यू वॉन्ट देम एज लो एज पॉसिबल। गेयर का जैसे यहाँ पे शुरू हो रहा है तो हमें इसको गियर्स को लॉन्ग करना है ताकि हमें टॉप स्पीड ज़्यादा मिल सके। तो इसको थोड़ा सा हम पीछे आ सकते हैं, हम 2.85 तक आ सकते हैं पीछे। तो ड्रैग में क्या होता है बेसिकली, आप जब ड्रैग शुरू कर रहे हो फर्स्ट से तो ड्रैग के एंड तक, क्वार्टर माइल के ड्रैग के एंड तक तुम फिनिश जब करना चाहो तो यू शुड बी एट द एंड ऑफ फोर्थ गियर। तो फोर्थ गियर ख़त्म होने वाला होना चाहिए आइडियली। तो हमें गियर्स को थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम फर्स्ट को लॉन्ग कर देंगे और थोड़ा सा सेकंड को लॉन्ग कर देंगे, थर्ड को लॉन्ग कर देंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा फोर्थ को लॉन्ग कर देंगे गियर। ठीक है, गियर रेशो इससे ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आइडियली, बट अगर आपको लगता है कि आप कि ड्रैग रेस के एंड तक गाड़ी 5th गियर मांग रही है तो तुम्हें थोड़ी सी अपनी फाइनल ड्राइव कम करनी होगी। ठीक है, तो गियर रेशो का ये हिसाब होता है कि जितना तुम गियर्स को लॉन्ग करोगे मतलब नीचे को कर दोगे उतनी टॉप स्पीड ज़्यादा निकलेगी उस गियर में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। अभी अलाइनमेंट का हमें फ्रंट कैस्टर बिल्कुल आगे चाहिए होता है और इसको थोड़ा सा हम पॉइंट इसको ऐसे कर देंगे 8, बाकी हमें पीछे की अलाइनमेंट तो 0 ही चाहिए, इसको 0 कर रहने देंगे, इसको 0 रहने देंगे। ठीक है, एंटी रोल बार्स हमें स्टिफ चाहिए तो हम सबसे ज़्यादा स्टिफ कर देंगे। हमें कोई गाड़ी में बॉडी रोल नहीं चाहिए जब हम इतनी हाई स्पीड पर ड्रैग रेसिंग कर रहे हैं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है।
इसको मैक्सिमम पे कर दो। स्प्रिंग्स फ्रंट के सॉफ्ट रहेंगे और रियर के सबसे ज़्यादा स्टिफ रहेंगे, और राइड हाइट हमारी मैक्सिमम रहेगी। डैम्पिंग अगेन सेम एज स्प्रिंग्स, फ्रंट के सबसे ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे और रियर के सबसे ज़्यादा स्टिफ रहेंगे। बम्प स्टिफनेस हमें मैक्सिमम चाहिए, हमें कोई बॉडी रोल नहीं चाहिए अपनी गाड़ी में। और उसके बाद एरोडायनामिक्स हमें नहीं छेड़ने हैं, ब्रेक्स हमें नहीं छेड़ने की ज़रूरत है। डिफरेंशियल हम इसको फ्रंट 100 कर देंगे और इसको भी 100 कर देंगे और रियर को भी 100 कर देंगे और डी एक्सेलरेशन का भी 100। ठीक है, अब हमने अपनी ट्यूनिंग अप्लाई कर दी है। अब अपनी गाड़ी को ड्रैग स्ट्रिप पे लेके चलते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि क्या आउटकम है हमारी ट्यूनिंग का। तो यार हम आ चुके हैं अपनी न्यूली ट्यून्ड ड्रैग ट्यून्ड गाड़ी को M5 को लेकर ड्रैग स्ट्रिप पे, और मैंने गाड़ी लाइनअप कर ली है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। और लॉन्च कंट्रोल मेरा ऑन है ड्यू टू द पर्पस ऑफ दिस वीडियो। तो गाड़ी को लॉन्च करके देखते हैं अपनी ड्रैग ट्यून्ड गाड़ी कैसी परफॉर्म करती है, ठीक है, अपनी कस्टम ट्यून के साथ। लेट्स गो। लॉन्च बढ़िया था, पीली मारी गाड़ी ने। फोर्थ गियर लग चुका है, इसी को ये ज़्यादा लंबा जाना चाहिए, बट अगर गाड़ी पांचवा गियर मांग रही है तो हम डाल देंगे। तो ठीक है यार, नॉट बैड। आई थिंक बहुत बढ़िया ट्रैक ट्यून हो चुकी है हमारी गाड़ी। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेयर्स को तुम इस ट्यूनिंग से हरा सकते हो, रेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और जीत सकते हो डेफिनेटली। बहुत सही ट्यून हो गई है भाई। तो यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, तुम्हें ये ट्यूनिंग ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना ताकि तुम्हें आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा।